कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हट जाइए सामने से, छोड़िए मुझे। रुक जाओ, जरा देखिए इसने मुझे कैसे मारा। इसने तो आपको भी जान से मारने की कोशिश की और आप इसके घाव का इलाज कर रहे हैं। बस करो। यंगचाल, कॉमरेड कांग $300 मिलियन लेकर लौट आई है। हमें यहां से बचकर निकलने पर फोकस करना चाहिए। इतने पैसों से हम नॉर्थ में रह रही अपनी फैमिली को कुछ भी होने से बचा सकते हैं। पैसे तो लेकर भाग रहे हैं, पर क्या लगता है कि पार्टी तुम्हें छोड़ देगी? वो गद्दार को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और फिर उन्हें कुत्ते की मार मारेंगे। जान से मार दूंगा। ठीक है कॉमरेड, जू को यही छोड़ देती हूँ। नहीं कॉमरेड, यही छोड़ेंगे। मुझे बताओ, तुम सही में यहाँ मरना चाहते हो? हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। तुम चाहते हो तुम्हारी लाश लोगों के सामने आए, तुम्हारी बॉडी इतनी बेइज्जती होने पर भी पार्टी इसे अनदेखा कर देगी, क्योंकि वो कभी कबूल नहीं कर सकती कि ये सब इलेक्शन स्कीम थे। अगर तुम ऑर्डर के मुताबिक लिमसुगो को मार देते, तुम्हें क्या लगता है तो चोई सूर्यन तुम्हें बचा लेती? हाँ, चोई सूर्यन के लिए तुम सिर्फ उसके चेस बोर्ड का एक छोटा सा प्यादा हो। वो MSS की डेप्यूटी डायरेक्टर और कॉमरेड जो की सुपीरियर है। इसका मतलब पीपल आर्म्स फोर्सेस के एक्स डायरेक्टर जो एक कमेटी है। तुम उसे जानते हो? पहले मैं अगर तुम्हें एक तोहफा पेश करूं, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? जैसे ही मैंने ये पेंटिंग देखी, कॉमरेड चोई सूर्यन, मुझे तुम्हारी याद आई। क्या नाम था इसका? सैटन डिवाउरिंग घर। छोड़ो, कॉमरेड चोई लिम सुहो, जिसे तुमने मारने का ऑर्डर दिया है, उसे मैंने 18 साल पहले सड़क से उठाया था, उसकी छोटी बहन के साथ जो अधमरी हालत में थी। जानना चाहो कि असल में वो कौन है? हा? वो तुम्हारा बेटा है, जिसे तुमने सत्ता हासिल करने के लिए छोड़ दिया है। अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो मुझे मेरी पोजीशन से हटाने की सोचना भी मत। और वो हॉगुम सॉन्ग अभी हॉस्टल में, मेरे ऑर्डर पर वो तुम्हारे बेटे को मार देगा। उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। हॉगुम सॉन्ग से फौरन कांटेक्ट करो और उसे कहो कि लिमसुओ को मार डाले।